हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पनीर सैंडविच। सबसे पहले हम पनीर लेंगे। पनीर को हम छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम पैन लेंगे, इसे गरम करेंगे। इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। पैन गरम हो चुका है, इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालकर थोड़ा चला लेंगे। एक कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। इसको बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डालकर चला लेंगे। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की वजह से इसमें अच्छा सा लाल रंग आ गया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच मैगी मसाला, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे।
देखिए अब ये तैयार है। अब इसमें पनीर के कटे हुए पीसेस डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लें। पनीर को लगभग 2-3 मिनट तक चलाएंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम ग्राइंडर लेंगे, उसमें आधा कप धनिया, आधा कप पुदीना, दो पीस कटी हरी मिर्च, चार पांच कली लहसुन, एक चौथाई छोटी चम्मच हींग, एक छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वादानुसार नमक, थोड़ा पानी डालकर उसे पीस लेंगे। देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको चटनी थोड़ी सूखी लगे तो आप थोड़ा पानी डालकर उसे पतली कर सकते हैं। अब हम सैंडविच बना लेते हैं। इसके लिए 2 ब्रेड के पीसेस लेंगे, उस पर इस तरीके से दोनों तरफ चटनी लगा लेंगे। अब हम फिलिंग लेंगे, ये ठंडी हो चुकी है। अब इसे ब्रेड पर फैला देंगे। अब ब्रेड को ढककर सैंडविच तैयार कर लेंगे। अब तवा गरम कर लेते हैं। हमने यहाँ ब्रेड पर हरी चटनी लगाई है। आप बच्चों के हिसाब से बिना चटनी की सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं। या चटनी की जगह सॉस लगाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। अब तवे पर मक्खन डालेंगे और सैंडविच को एक तरफ अच्छे से सेक लेंगे। अब दूसरी तरफ सेकने के लिए सैंडविच को उठाकर
थोड़ा सा बटर लगाएंगे और सैंडविच को पलट कर सेक लेंगे। इसको अच्छे से लाल होने तक दोनों तरफ से सेकेंगे। देखिए अच्छे से सिक चुका है। इसके बाहर से किनारों को अच्छे से दबा देंगे। देखिए ये तैयार है, इसे उतार लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसे बीच में से काट लेंगे। अब इसे बीच में से खोलकर पनीर वाली फीलिंग देख लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर सैंडविच बनकर तैयार हुई है। आप इसे अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।